محترم سامعین اکرام, بہت سی خرابیوں کا ہم دن بدن شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سی اخلاقی بیماریاں ہمارے معاشرے میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خیر القرون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی کے زمانے سے دور جوں جوں ہم ہو رہے ہیں, توں ہم بہت سی اخلاقی پستیوں کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی ایک چیلنج ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جس کی اہمیت بڑھ رہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ان بیماریوں سے, ان آزمائشوں سے بچائیں. ان مختلف بیماریوں میں سے ایک اخلاقی بیماری وہ اسراف کی ہے. اسراف کا لفظ بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے, کئی طرح کے معانی, کئی طرح کے اس کے مطالب علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں. اس مختصر سی نشست میں ان تمام مطلبوں کا, ان تمام معانی کا احاطہ کرنا وہ مشکل ہے, اس لیے اختصار کے ساتھ کوشش ہے کہ ہماری آج کل کی زندگی گزارنے کا جو طرز عمل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا وہ معنی, وہ مطلب بیان کیا جائے کہ جس سے ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے والے ہو سکیں. اسراف کے بنیادی طور پر دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں. نمبر ایک, حد سے تجاوز کرنا. اگر کچھ لمٹس ہیں, کچھ حدود ہیں کہ جن کی رعایت شریعت کی طرف سے یا ایک عقل سلیم رکھنے والے انسان کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں, تو ان حدود کی رعایت نہ کرنا, ان سے تجاوز کرنا, یہ ایک اسراف کا معنی ہے. علماء نے اسراف کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے اور وہ ہے نعمتوں کی ناقدری کرنا. یہ بھی اسراف کا مطلب ہے, بلکہ بعض علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ پہلے مطلب کی لاجک, اس کی علت وہ یہ دوسرا معنی ہے. اگر آپ نعمتوں کی قدر کریں گے تو کبھی آپ حدود سے تجاوز نہیں کریں گے. اگر آپ یا کوئی شخص حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس نعمت کی قدردانی نہیں کر رہا, بلکہ وہ نعمت کی ناقدری کا مرتکب ہے. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے پڑھی, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما, جلیل القدر صحابی ہیں, وہ ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور حضرت سعد وضو فرما رہے تھے, اور وضو فرماتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال فرما رہے تھے.
अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुक कर इस बात पर अपने जहनों पर बोझ डालें कि नेक अमल है वुजू का, मुबारक अमल है। नेक काम में जितना मुबालगा किया जाए, नेक काम में जितनी ज़्यादा उस अमल को, उस काम को अहमियत दी जाए, इसकी तारीफ होनी चाहिए। वुजू जैसा मुबारक काम हज़रत साद फरमा रहे हैं, तो हमारी अक़ल वो ये कहती है कि अगर वुजू के नेक अमल में अगर हज़रत साद उस अमल को अहमियत दे रहे थे, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि हज़रत साद ने एक नेक काम को अहमियत दी। जितना पानी वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था, उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया। ये इस बात की निशानी है कि हज़रत साद ये चाह रहे थे कि मैं अपने वुजू को अहसन तरीक़े पर मुकम्मल तौर पर अंजाम देने वाला हूँ। तो ये तारीफ़ का के लायक, ये तारीफ़ के काबिल अमल है, उनका इरादा है। लेकिन आप देखिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि ए साद, ये इसराफ़ क्या है? मा हाज़ा सरफ़ या साद। हज़रत साद का रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब वो हमारी अक़ल में थोड़ी देर पहले आने वाली बात के तनाजुर में था। उन्होंने ताज्जुब से पूछा, अफिल वुदू इसराफ़ुन, क्या वुजू जैसे नेक काम में भी इसराफ हो सकता है? यहाँ तो तारीफ़ की जानी चाहिए कि एक नेक अमल है, मैं उसे अहमियत के साथ, मैं उसे पूरे एहतमाम के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अहसन तरीक़े पर अकमल तौर पर अपने वुजू के अमल को इख्तियार कर रहा हूँ। तो उनका जवाब जो ताज्जुब पर मबनी, बल्कि उनका सवाल जो ताज्जुब पर मबनी था, उसकी वजह उलमा ने फरमाई वो यही बात थी कि वुजू जैसे नेक काम में तो इसराफ नहीं हो सकता। तो इस पर आपको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीफ़ करनी चाहिए, न कि ये पूछा जाए कि ये इसराफ किस तरह है। अफिल वुदू इसराफ़ुन, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मुलाहजा फरमाइए, जिसमें हमारे लिए सबक है। आपने फरमाया कि बिल्कुल वुजू में भी इसराफ है। कायदा और ज़ाबता उलमा फरमाते हैं कि इस जवाब से हमें ये मिला कि इसराफ की बीमारी वो ऐसी बीमारी है कि जो नेक आमाल में भी उतनी ही बुरी समझी जानी चाहिए जितना के बुरे आमाल में या मुबाह आमाल में उसे बुरा समझा जाता है। और आगे अपनी बात को मजीद मुअक्कद, अपनी बात को मजीद अहमियत देने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम व इन कुंता अला नहरिन जारिन। वुजू के मामले में भी एहतियात की ज़रूरत है, इसराफ से बचने की फिक्र करनी चाहिए। अगरचे तुम ए साद बहती हुई नहर के किनारे पर वुजू क्यों ना कर रहे हो। बहती हुई नहर के किनारे वुजू करने का मतलब उलमा ने ये फरमाया कि अगरचे तुम्हारे पास पानी के ज़खायर वो लामहदूद क्यों ना हो, वो तुम्हारी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा क्यों ना हो, तब भी ये ज़िम्मेदारी है कि एहतियात के साथ वुजू का अमल इख्तियार किया जाए, इसराफ से अपने आप को बचाया जाए। उलमा ने दूसरा ज़ाबता इस हदीस मुबारका से ये निकाला कि अगर आपके पास नेमतों की फरावानी है, अगर आपके पास वो मतलूबा चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, तब भी आपको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप उस नेमत के इस्तेमाल में नाकदरी का शिकार हों,
उस नेमत के इस्तेमाल में इसराफ को इख्तियार करने वाले हों। इस बात से ये पता चला कि अगर आपके पास नेमत वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, तब तो ज़्यादा अहमियत के साथ, ज़्यादा एहतियात के साथ ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि हम उस नेमत को इस्तेमाल करें, नाकदरी उसकी हरगिज़ ना करें। ये हदीस मुबारका की मुख्तसर तशरीह, उसका मुख्तसर मतलब आपने समाअत फरमाया। अब हम आते हैं अपने रोज़मर्रा के मामलात की तरफ। मैंने अर्ज़ किया कि किस किस हम अपनी ज़िंदगी के कदम पर इसराफ का शिकार हैं, उसके लिए हमें एक तवील नशिस्त दरकार है। मुख्तसर तौर पर सबसे पहले हम पानी के मसले को लेते हैं। पानी का मसला दिन ब दिन पूरी दुनिया में वो गंभीर होता चला जा रहा है, वो नाजुक होता चला जा रहा है। कहा जाता है कि अगली जंग अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम इस्लाम की, एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमाएं, अगली जंग वो पानी के मसले पर दुनिया में होगी। पानी हमारी ज़िंदगी में किस कदर ज़रूरी है, हम कितने पानी के मोहताज हैं, ये एक छोटा बच्चा भी इस बात से वाकिफ़ है। आयत करीमा है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हर जानदार इंसान नहीं, हर जानदार चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानदार की तख्लीक में पानी को शामिल फरमा दिया। अगर पानी को निकाल दिया जाए तो उस जानदार में जान बाकी न रहे। हम बिजली के, हम गैस के, हम दीगर अपनी ज़रूरियात के इतने मोहताज नहीं हैं कि जितने हम पानी के मोहताज हैं। ये तो एक वसी तनाजुर में गुफ्तगू थी। अब आइए अपने मुल्क की तरफ। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है। हमारी 68% आबादी वो देहात में आबाद है। हमारी GDP में ज़राअत का 19% हिस्सा है, यानी हमारी मईशत का ज़्यादा दारो मदार वो ज़राअत पर है। और ज़राअत के लिए पानी किस कदर ज़रूरी है, ये तफसील का मोहताज बयान नहीं। हमें पानी का जितना एहतमाम करना चाहिए, पानी के ज़या को की जितनी फ़िक्र हमें होनी चाहिए, शायद वो फलां और फलां मुल्क को ना हो। लेकिन आप ये देखिए कि हम बहसियत कौम के या बहसियत फ़र्द के पानी की नाकदरी के किस तरह मुर्तकिब हैं। हम दिन में कई मर्तबा वज़ू करते हैं, हम नहाते हैं, हम और ज़रूरियात में पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो काम जो हम कम पानी में कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, बहुत सहूलत के साथ हम अपनी उस ज़रूरत को कम पानी के ज़रिए पूरा कर सकते हैं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बेतवज्जुही की वजह से हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इस्तेमाल के बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि हम ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। वज़ू करते वक्त आम तौर पे मुशाहदा होता है, हम मिसवाक इस्तेमाल कर रहे हैं या मसह का अमल इख्तियार कर रहे हैं और पानी बह रहा है। मुख्तलिफ सूरतें हैं, जितना नल हमें खोलना चाहिए हम उससे कई गुना ज़्यादा नल खोलकर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम अपने दांतों की सफाई मिसवाक के ज़रिए या टूथपेस्ट ब्रश वग़ैरह के ज़रिए करते हैं तो पानी का नल खुला छोड़ देते हैं। ये पानी का ऐसा ज़िया है कि जिसमें दो राय नहीं है। मैंने आपके सामने हदीस मुबारक पेश की, वुज़ू जैसे मुबारक अमल में भी इसराफ़ की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे जो दीगर
معمولات ہیں کہ جن کے کرنے پر ہمیں ثواب ہم سے ثواب کا وعدہ نہیں کیا گیا، وہ اعمال ہمارے وہ معاملات کہ جو شریعت کی نگاہ میں باعث اجر و ثواب نہیں ہیں، مباح ہیں، آپ کریں الحمدللہ، نہ کریں تو کوئی باز پرس نہیں ہے، تو ان معاملات میں ہمیں کس قدر احتیاط کی مزید ضرورت ہے، یہ حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت کہا جاتا ہے کہ پانی کی موجودہ مقدار اس وقت وہ 5,000 کیوبک میٹر تھی، جو آج 74-75 سال گزرنے کے بعد پاکستان میں 1,000 کیوبک میٹر رہ چکی ہے۔ اگر یہی تناسب رہا تو 19-20 سال بعد کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو تو آدمی گزارا کر سکتا ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس میں ہم سب کو، جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات اختصار کے ساتھ، وہ آپ بجلی کی طرف آئیے۔ بجلی کا استعمال یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ضابطہ آپ کو معلوم ہے کہ نعمتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ اعلان ضابطہ اور قاعدہ وہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو میرا طریقہ، میری سنت وہ یہ ہے کہ میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے، ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب وہ بہت سخت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نعمتوں کی ناقدری یا نعمتوں کا ضیاع، اس کو ضائع کرنا، یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے۔ بجلی کے حوالے سے پورے ملک میں توانائی کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے وہ آپ زیادہ جانتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ کہیں اس بحران کا سبب وہ ہم خود تو نہیں ہیں۔ یہ عام معمول ہے کہ 12 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولی جاتی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو پابند کیا، آج کل وہ 7:45 بجے طلوع ہو رہا ہے، گرمیوں میں اور پہلے طلوع ہوتا ہے، غروب کا وقت آج کل وہ تقریباً 6:00 بجے کے قریب ہے۔ ہم آدھا دن، پورا آدھا دن وہ ضائع کرتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر، آدھے دن کے بعد ہمارا دن شروع ہوتا ہے، تو ناقدری کا جب یہ عالم ہوگا تو پھر بحران اسی طرح سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح کتنی مرتبہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ سورج نکل چکا ہے، روشنی ہو گئی ہے اور لائٹ جل رہی ہے۔ میں کسی کام سے ایک کمرے میں آیا، میں نے پنکھا جلایا، لائٹ اپنی ضرورت کے لیے جلائی، اب میں وہاں سے نکل چکا ہوں لیکن وہ پنکھا، وہ لائٹ اسی طرح جل رہی ہے۔ اگلی بات یا اگلا معاملہ جس میں بھی ہم بے توجہی کا شکار ہیں، وہ کھانے کا ضیاع ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ سالانہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے وہ ٹنوں کی مقدار میں ضائع ہوتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ غربت کا شکار اس دنیا میں موجود افراد پر اگر وہ ضائع ہونے والا کھانا تقسیم کیا جائے تو وہ 4 دفعہ سے زیادہ سیر ہو کر کھا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس وسیع تناظر سے چھوٹی تصویر کی طرف، وہ یہ کہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ دوست جمع ہیں یا فیملی کے ساتھ کہیں کھانے کا باہر ارادہ ہوا ہے تو ضرورت سے زیادہ کھانے کا
ऑर्डर देते हैं और बचा हुआ खाना आपके सामने है कि कितनी फिक्र उस बचे हुए खाने को सही जगह पहुंचाने की जाती है। शादियों में, दीगर तकरीबात में हम अपनी ज़रूरत से किस कदर ज़्यादा प्लेट को भरते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं ये खाना जितना मैं ले रहा हूँ हर किसी नहीं खा सकता, उसके बावजूद एक लालच है, एक हिर्स है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में भरूं और फिर उस खाने के ज़या का सबब बनूं। अब ये जो मुख्तलिफ बातें आपके सामने मैंने अर्ज़ की, इन में कुछ ज़िम्मेदारियां वो हुकूमत की हैं और कुछ माशरे की हैं और कुछ फ़र्द और अफराद की हैं। हम हुकूमती तौर पर उन ज़िम्मेदारियों का ख़्याल करने के हवाले से उतने मसूल नहीं हैं, उतने ज़िम्मेदार नहीं हैं जितने के बतौर मुआशरा के और बतौर फ़र्द के हैं। अपनी बिसात की हद तक अपने दायरे इख्तियार की हद तक ये ज़रूरी है कि हम इस बात का एहतमाम करें कि आज से मैं पानी के इस्तेमाल में वो एहतियात से काम लूँगा। मेरी ज़ेर तरबियत, मेरी औलाद, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले या और दीगर लोग के जो मेरी बात को अहमियत देते हैं उनको मैं इस बाबत मुतवज्जे करूँगा। बिजली के इस्तेमाल के हवाले से, खाने के ज़िया के हवाले से मैं अपनी हद तक ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को और जहाँ जहाँ मेरी बात को तवज्जो दी जाती है वहाँ वहाँ तक मैं ये पैगाम आम करने वाला हूँ कि खुदारा नेमतों की कदर कीजिए, इसलिए कि आने वाला ज़माना वो आज के तर्ज अमल, हमारा आज का तर्ज अमल ये फ़ैसले का सबब बनेगा हमारे आने वाले ज़माने में कि अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की बरसात, अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की तवज्जोहात वो उसी तरह रहें जैसा कि आज हैं, या खुदा न खास्ता हमारा आज का तर्ज अमल वो इन नेमतों में किसी भी तरह की कमी का सबब न बने। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझ आता फरमाएँ और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।